चैनल धीरज और मैसेज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। सबके योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता क्या, जिसे हम समझिए जैसे 9 लिखा है और माइनस 9 हम लिख दें। अब देखिए यहाँ पर समझिए योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है। यदि ए और बी दो पूर्णांकों का योग शून्य हो, कोई दो पूर्णांक दिए हो, अगर उनको जोड़ने पर शून्य आता हो तो ए और बी को परस्पर एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर 9 लिखा है हमने, माइनस 9 लिखा, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0। ठीक, यहाँ पर लिखा है यदि ए और बी दो पूर्णांकों का योग शून्य हो, यानी योग अगर शून्य हो तो ए और बी को परस्पर एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। परस्पर एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम मतलब समझिए, प्लस 9 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस 9 होता है और माइनस 9 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस 9 होता है। ठीक, तो हम ये ना करके हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि प्लस 9 का जो है योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस 9 होगा। ठीक, माइनस 21 का योगात्मक प्रतिलोम कौन सा होगा, प्लस का 21। प्लस का 21 और माइनस का 21 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। बस क्या करना है आपको, सेम टू सेम संख्या रखनी है, क्योंकि हमने बता ही दिया ऐसा पूरा जैसे 91 लिखा है, तो माइनस 91 जब लिखोगे और इसको जब जोड़ोगे तब शून्य आएगा। तो ये एक दूसरे के परस्पर योगात्मक प्रतिलोम होंगे। कैसे, जैसे प्लस का 91 इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 91, और माइनस 91 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो प्लस का 91। माइनस 6 लिखा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, प्लस का 6 होगा। ठीक, जैसे माइनस का 41 लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 41 होगा। यानी बस निशान चेंज हो जाना है योगात्मक प्रतिलोम में, और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अगर आप हमें पर डे देखते हैं या कई बार देखते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।